हेलो दोस्तों, मैं शमीम कुछ जानों में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं ऑटो कैड के मैं कॉपी कमांड के बारे में आपको बताऊंगा। ऑटो कैड में ये देखिए, यहाँ पे ये कॉपी कमांड है। जैसे कि हम किसी भी रेक्टेंगल को कॉपी करना चाहते हैं तो पहले फाइनली इसको सेलेक्ट करना होगा, फिर कॉपी कमांड पे जाना होगा। कॉपी कमांड पे जाने के बाद मैं जितनी चाहूँ सेम आकृति की उतनी कॉपीज बना सकता हूँ। चाहे वो गोले ही क्यों ना हो, गोले को भी मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूंगा। कॉपी, अब ये गोला, ये गोला, ये गोला, ये गोला, ये गोला, ये गोला, ये देखिए कितना आसान है ये कॉपी कमांड। मुझे मेरे व्यूज ये कॉपी कमांड के बारे में बहुत पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि कॉपी कमांड के बारे में एक वीडियो बना के आपको समझाया जाए। देखिए कितनी आसानी से, कितनी जितनी चाहिए उतनी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसको अब इसी तरह मैं आपको मूव कमांड दूंगा। मान लीजिए ये रेक्टेंगल आपको यहाँ चाहिए था, इस साइड में, इस जगह आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे? अब फिर से इसको मिटाएंगे, डिलीट करेंगे, सीधे इसको मूव करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, मूव ऑप्शन पर जाएंगे। अब मुझको ये मूव कर दीजिए, हाँ दोस्तों। तो आप ये आप देखा, आपने कितना देखा है, कितनी आसानी से उन्होंने ये मूव कर लिया। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, ये सेलेक्ट किया, मूव ऑप्शन में सेलेक्ट किया, और उसके बाद जहाँ भी आप करना चाहें सेलेक्ट किया, मूव को। अभी मैं दो तीन ड्रा करके दिखाता हूँ ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि एक छोटा पतला बॉक्स हो गया, एक उससे बड़ा बॉक्स हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला यहाँ अंदर चला जाए, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मूव कमांड को सिलेक्ट करना होगा, मूव कमांड दबाना होगा, और इसको मैं ले आऊँगा एकदम बीचों बीच। देखिए कितना आसान है ये। अब मैं इसको अगर मूव कराना चाहूँगा तो इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको यहाँ पर पॉइंटर लाऊँगा, और इसको मैं यहाँ देखिए, है ना आसान। तो आई थिंक आप लोगों को मूव कमांड और कॉपी कमांड के बारे में आप लोग पूरा सीख गए होंगे। कॉपी कमांड में सिंपली कि कोई भी आप एंगल बना लीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कमांड पे जाइए, ये कॉपी कमांड है, और फिर इसको जितनी बार आप क्लिक करते जाएंगे उतनी इसकी कॉपीज करता चला जाएगा। तो आई थिंक कॉपी और मूव के बारे में अच्छी तरह से आप जान गए होंगे। अगर और भी टूल्स के बारे में आपको जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताइए कि आपको किस टूल के बारे में जानना है, तो मैं पूरी इसकी जानकारी पूरी डिटेल पूरे एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करिए, ताकि आपका भाई आगे बढ़े, और आगे बढ़े
और आप लोगों को समझाए सिखाए जितना मुझे आता है, बहुत नहीं आता लेकिन जितना भी आता है उतना ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच।